My colleague Shri Anup Chand Pandey ji, Honorable Election Commissioner of India, Secretary DPWD Rajesh Agarwal ji, Padam Shri Dr. Neeru Kumar ji, ECI के और स्टेट्स के सभी PWD आइकन्स, यहाँ मौजूद सभी मेरे मित्र PWD आइकन्स, मंच पर विराजमान सभी ECI के और अन्य पदाधिकारीगण, फ्रेंड्स और PWD साथियों, ECI की इस PWD आइकन कॉन्फ्रेंस में आप सभी का हृदय से स्वागत है और मैं व्यक्तिगत रूप से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आई हैव नो हेसिटेशन इन सेइंग दैट आई फील हैप्पीएस्ट स्टैंडिंग हियर इन दिस कॉन्फ्रेंस. इट इज बेटर देन स्टैंडिंग एनीवेयर एल्स इन एनी अदर कॉन्फ्रेंस. आई हैव अटेंडेड मेनी, इंक्लूडिंग इन द फाइनेंस सेक्टर एंड दिस दैट एंड द अदर टेक्नोलॉजी फाइनेंस सेक्टर एंड ऑल, बट जो आंतरिक सुख आप लोगों के साथ मिलता है, जो बल आप लोगों से मिलता है, वो मुझे सबसे ज़्यादा सुखी प्रदान करता है आप लोगों के बीच रहने में. जो थोड़ी बहुत थकान होती भी है वो स्वयं मिट जाती है, ये मानकर कि थकान होने का कोई हक ही नहीं है आपको. तो उस सबको आप आज यहाँ आके आपने हमें सबको ये प्रेरणा और ये शक्ति प्रदान की है, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं. आई एम इमेंसली प्लीज टू वेलकम यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट टू दिस काइंड ऑफ ए फर्स्ट ऑफ मेनी अदर्स, पर दिस काइंड ऑफ ए कॉन्फ्रेंस ऑफ PWD आइकन्स. और इसके पीछे एक अवधारणा है, वी हैव थॉट ऑफ वेरियस थिंग्स इन ऑर्गेनाइजिंग दिस कॉन्फ्रेंस. आई स्लोली एक्सप्लेन वाई, but welcome to you all in this. ECI is pioneering in mainstreaming and deeply embedding the concept of practice of inclusiveness and accessibility. Samaveshi aur sugam. Samaveshi jisme desh ke har vyakti ko voter banne ka adhikar sahajta se prapt ho. And sugam that we provide accessible infrastructure at every process of election. Friends, we are committed to provide absolutely inclusive and accessible processes of election. And I firmly believe, and actually it's my conviction, that disability is not at all an inability. It is the mistake which we commit. Dr. Neeru Kumar was also saying two things, equity and equality. Actually, I want to go beyond the equity to say that it is the higher ability of the disabled persons that is what we need to recognize. All of them have a higher ability than all of us who otherwise are considered to be able, as are termed as able. जो अभी हमने परफॉर्मेंसेस देखी, अगर उन परफॉर्मेंसेस की डेप्थ में जाएं, तो क्या देखा हमने? एक बाहर की छोटी सी डिसेबिलिटी से अंदर की एबिलिटी कितनी बड़ी है, कितनी ज़्यादा है, उसको समझने का मौका मिला. हमेशा मिलता है जब भी आपके साथ रहते हैं, और उसको सुनते सुनते, उसको देखते देखते मेरा मन किया कि मैं कुछ आज फिर दोबारा से एक छोटा सा एक्सटेम्पो लिखूं. तो आप लोगों के लिए मैंने कुछ लिखा है, उसको पढ़ना चाहता हूं. हो सकता है कुछ जल्दी जल्दी में उतना तार्किक ना हो. जो एबिलिटी की बात कर रहे हैं उसको मैं आवरण बोल रहा हूं, बाहरी आवरण. आंतरिक सक्षमता और सुंदरता का मापदंड नहीं, ये नहीं हो सकता. Means what is your internal ability cannot be judged by the external variations. बाहरी आवरण आंतरिक सक्षमता सुंदरता का मापदंड नहीं हो सकता. गोया उनकी नासमझी जो अंतर की सुंदरता, अंदर के नृत्य, अंदर के संगीत को नहीं समझ सकते. आज हमने PWDs का नृत्य देखा,
आज उनका म्यूज़िक सुना और उसी बीच में किसी ने हमें बताया उन्होंने कि कुछ लोगों को ताली बजाने का ये तरीका है। तो ये सोचने की बात है कि बिना सुने और म्यूज़िक, तो ये तो कहीं आंतरिक म्यूज़िक होगा, ये तो कहीं आंतरिक स्ट्रेंथ होगी, आंतरिक सुंदरता होगी जो कि हमसे कितनी ज़्यादा होगी। सो गोया उनकी नासमझी, जो अंतर की सुंदरता, अंतर के नृत्य संगीत को नहीं समझ सकते। साकार में तो स्वरूप की सीमाएं हैं, उनसे क्या उलझना जो अंतर के अखंड विस्तार की यात्रा को समझ ही नहीं सकते। सो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, ऑल दी डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंड्स ऑफ आर्स आर, बिलीव मी, आर एबल ऑन ए मच हायर पेडिस्टल देन व्हाट वी आर। और एक उन्होंने शिव तांडव श्रुत भी किया, उस परफॉर्मेंस को आप अगर देखेंगे तो मैं मतलब ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहिए बट ज़्यादा दावे के साथ कह सकता हूँ, हम में से 80% लोग वो नहीं कर सकते, वो स्टेज पे भी नहीं आ सकते, वो उसको याद भी नहीं कर सकते, उस परफॉर्मेंस को भी नहीं कर सकते। क्या कह रहे थे वो, उसको समझना भी ज़रूरी है। वो कह रहे थे, गरिष्ठ रत्न रत्नों सो दिश दीक्ष पक्षियों, सारे रत्न सारी चीज़ों को छोड़ के द्वि पक्ष पक्षियों, सबको एक समान देखें, इक्विटी, ऋणार बिंद चक्षुओ प्रजा महिंद महिंद्रियो, जो नीचे हैं और जो ऊपर हैं, जो प्रजाएं उन सबको बराबर समझें। कदा निलिम्प निर्जरी निकुंज कोटरे वसन, कब हम चुपचाप एक जगह में, कदा निलिम्प निर्जरी मतलब एक नदी के किनारे, निकुंज कोटरे वसन, कहाँ हम अकेले एक कुटिया में निवास करेंगे। और शिवेति मंत्र मुच्चरम कदा सुखी भवाम्यहम, कब हम सुखी होंगे उसका नाम लेते हुए। सो दिस इज व्हाट इज द इंटरनल एबिलिटी ऑफ आर फ्रेंड्स हु वर हियर एंड हु वर डिस्प्लेइंग दैट काइंड ऑफ ए इंटरनल आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक समझ। जो बैंड अभी मेघालय से लेके आए थे, जो फ्रेंड्स ने यहाँ बजाया, जिसकी द डार्क बैंड एज यू कॉल इट, इज दैट द बैंड ऑफ डार्क। सो उसके अंदर से जो म्यूज़िक निकल रहा है, वो म्यूज़िक तभी निकल सकता है जब आपके अंदर में स्पंदन हो रहा है। व्हेन योर इंटरनल बॉडी इज ऑसिलेटिंग विद म्यूज़िक, देन ओनली इट्स पॉसिबल। इट्स पॉसिबल व्हेन यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन नाद एंड शोर, जो ध्वनि हो रही है, जो शोर मच रहा है, अनावश्यक शोर जो मच रहा है समाज में, उसके अंदर में उतर के ही वो म्यूज़िक बन सकता है जो उन्होंने बनाया। हम उनके आभारी हैं। फ्रेंड्स, हमारे सामने एक बहुत हमारे ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बताया ऑलरेडी आपको कि चुनाव आयोग किस प्रकार से आप सबको सुगम और समावेशी चुनाव प्रक्रिया बनाने के लिए कटिबद्ध है। पीडब्ल्यूडी ऐप भी उसी वजह से आया। अभी छत्तीसगढ़ से हमारे आइकन साहू जी ने कहा था कि रूरल एरियाज़ में कुछ अभी कमी है, ये भी कहा था कि डाटा के बारे में जोड़ें, और हमारे पहले से वोटिंग कर सकें, ये भी एक हुआ जिक्र। और जीजा घोष ने अभी बताया, बंगाल से है वो, उसने बताया अपने कितनी उसके मन में कितनी एक जिजीविषा है इस सिस्टम को सुधारने की। वो क्या बोल रही थी कि सीआरपीएफ से उसने बात की बूथ पे जाके, उसने सिस्टम को सुधारने की जो सजेशंस दिए हैं, हम उस पर पेपर लिखवा के निश्चित जिया को विश्वास दिलाते हैं कि उस पर आगे काम करेंगे। इक्वलिटी और इक्विटी के ऊपर उठ के जो रेणु जी ने कहा, उसको तो हम लोग निश्चित वर्क करेंगे। सो जो माय कोलीग मिस्टर पांडे हैज़ ऑलरेडी टोल्ड यू द काइंड ऑफ फैसिलिटेशन, चाहे घर से वोट लेना हो, चाहे आपको रैम प्रोवाइड करना हो, चाहे पीडब्ल्यूडी ऐप देना हो, चाहे उसमें सुविधा देनी हो, ब्रेल देना हो, वो सब तो करेंगे ही करेंगे। दैट्स व्हाट इज़ द मिनिमम स्टैंडर्ड दैट वी वांट टू सेट, एंड दैट्स रियली द मिनिमम विच वी वांट टू अचीव एंड अचीव 100%। एंड एज राजेश जी सेड, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम एन इंस्टीट्यूशन विच इज सेंसिटिव, विच इज कंसर्न, एंड विच इन इट्स एक्शन शो फुल सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द पीडब्ल्यूडी सिटीजन्स, एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर दिस सोसाइटी एंड ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस टू फॉलो इट। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू बींग हियर।
एंड आपके जो सजेशंस हैं और जो इससे पहले और बाद में भी बहुत सारे आए हैं उन सबको कंपाइल करके फर्दर बढ़ाएंगे। राजेश जी ने कहा कि हम जो हमारे डाटाबेसेस हैं उनसे लिंक करके आप लोगों को वोटर लिस्ट में मार्क कर लें, तो ये काम हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से, और जो जो भी डिपार्टमेंट स्टेट्स में देखते हैं कंसर्न उनसे हम वो डाटा लेके अपने BLOs को देते हैं और कहते हैं ये आपका मेनू है, आपकी ड्यूटी है कि आप इन सब के घर जाएं, अगर कोई किसी को स्कॉलरशिप मिल रही है तो घर जाके पूछें कि वो हमारा वोटर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उन्हें निश्चित रूप से वोटर बनाएं। तो ये सारे डाटाबेसेस को हम इकट्ठित करके अपने संज्ञान में लाके उसको यूज़ कर रहे हैं वोटर बनाने के लिए। बट एज आई सेड, वोटर बनाना, वोट डलवाना, वहाँ सुगमता करना तो बहुत हमारा कर्तव्य है, छोटी बात है, वो तो हम करेंगे ही, बट वी वॉन्ट टू गो मच बियॉन्ड दैट। एंड आई वुड लाइक टू एंड बाय अगेन एक किसी कवि की लिखी हुई एक शब्द है, मेरी नज़रें भले ही कमज़ोर हों पर मेरे हौसले बुलंद हैं, मेरे पैर भले ही नाचते ना हों पर मेरे सपने अनंत हैं, मेरे शब्द चाहो मैं ना हों मेरे इरादों में बल अत्यंत है, मेरी दुनिया भले ही सुनी हो मेरा विश्वास सदा जयंत है, इस देश को मजबूत करने में मेरा भी बराबर का योगदान है। और इसको समझते हुए हम भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपके इस योगदान को सर्वोपरि मानते हैं। धन्यवाद।